You're beautiful. No, beautiful. Yeah. Thank you. It's not beautiful, handsome gift. Thank you. थैंक यू थैंक यू। अब देखो इस रूम से आपको जो विला फील आती है ना वो इस तरह आती है कि अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एच एस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हम लोग इस टाइम है गिली आइलैंड्स पे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा हम गिली आइलैंड पहुंचे थे और यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिजॉर्ट टूर और विला टूर जो है वो अगली वीडियो में दूंगा। तो आज अभी फिलहाल तो हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपको इस रिजॉर्ट का टूर देता हूँ और रूम टूर देता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये जी, रेस्टोरेंट साइड। जब हम बाली आए थे और जिस रिजॉर्ट में पहले हमने स्टे किया था, मैंने आपको बताया था कि वो तो ब्रेकफास्ट का सीन बड़ा ऑफ है, उन्होंने तो हमें बफे नहीं दिया, सिर्फ ऑर्डर करना था, अलग कार्ड था ये वो। अब उसके बाद एक और होटल में हम स्टे किया था। अब यहाँ पे आके मुझे ये पता लगा है कि ये बाली का, आई थिंक इंडोनेशिया का ये कोई कल्चर सीन है होटल्स का, कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट बफे होता ही नहीं है। जितने भी होटल्स में मैंने अभी तक स्टे किया वो सब कहते हैं कि अलग कार्ड करो, मतलब आप अपना मेन्यू देखो और उसके अंदर से ऑर्डर कर लो कुछ भी। अदरवाइज थाईलैंड में या कहीं भी दुनिया में और जाओ, अच्छे होटल्स के अंदर पूरा पूरा बफे लगा होता है, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। ये ज़रा ज़्यादा अच्छा होटल है तो इनका फ़र्क ये है कि ये पर पर्सन आप 2 डिशेज ऑर्डर कर सकते हो। पहले हम जहाँ रुके थे वहाँ पर पर्सन आप एक ही चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, तो ये फ़र्क है यहाँ पे। सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद इतनी धूप थी, आज मौसम ने साथ नहीं दिया पूरा दिन, इतनी धूप थी और गर्मी थी दिन में कि हम लोग अपने रूम में गए, जाके सो गए, सही रिलैक्स किया। अभी बज गए हैं शाम के 5 और अभी मैं आपको पहले ये रिजॉर्ट टूर देता हूँ, फिर रूम टूर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बाहर निकलते हैं। वो सामने जी एंट्रेंस डोर, वहाँ से जब हम कल साइकिल लेके जा रहे थे, अभी मैं दोबारा निकलूंगा फिर भी वहाँ से आगे दिखा दूंगा। वहाँ से एंटर होके आप आते हैं इस तरफ, आने के बाद ये यहाँ पे सारे साइकिल्स खड़ी हुई हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस आइलैंड पे मोटर वाली कोई चीज़ नहीं चलती, यहाँ पे गाड़ियाँ स्कूटीज इस तरह की कुछ नहीं है, सिर्फ साइकिल टांगे और कुछ चंद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलते हैं। अब ये यहाँ से शुरू होता है आगे, यहाँ से आप अंदर एंटर होते हो, एंटर होने के बाद इस तरफ आती है रिसेप्शन, रिसेप्शन के बाद इस तरफ रेस्टोरेंट, देन फिर शुरू होते हैं जी विलास। दोनों तरफ विलास हैं और दरमियान में पूल है, 1 2 3 4 5 आई थिंक 5 एक लाइन में और 5 एक लाइन में, काफ़ी लंबा पूल है जो हर अपने रूम से निकलते ही सबको उसके सामने मिलता है। यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे, बहुत खूबसूरत वाइब है इस जगह की, आपको फील होता है कि हाँ एक प्रॉपरली प्राइवेट विलाज हैं। आप निकलते हो अपने रूम्स के बाहर बैठते हो, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि हमारा रूम कौन सा है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। ये पूल, इनका पूल बहुत खूबसूरत है नो डाउट। वो सामने पूल से निकल के आप सन बाथ लेना चाहते हो तो सन बेड्स लगे हुए। अब यहाँ से ये है जी हमारा रूम, रूम नंबर 25। इसके बाहर इन्होंने 2 बीन बैग्स रखे हुए हैं, टेबल्स रखे हुए हैं, एक स्विंग लगी हुई है, एक सन बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है कि आप अपने रूम से निकलते ही सामने पूल में जाओ, पूल से बाहर निकल के यहीं पे आके आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। रात के टाइम ये जगह इतनी खूबसूरत होती है, मैं आज रात को भी आके वापस आपको दिखाऊंगा। खैर यहाँ से हम तरह जाएंगे और एंटर होंगे अपने रूम में। 3 2 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है जी हमारा रूम। रूम में एंटर होने के बाद यहाँ बेड पड़ा हुआ है, इनके लैंप्स काफ़ी यूनिक हैं और इस तरफ जो है वो कबर्ड्स आ जाती हैं ओपन, यहाँ पे लॉकर है, कॉफ़ी, मिनी बार, और ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी हुई है क्योंकि आइलैंड है तो आप बीच पे जाते हो या कुछ भी है तो इसके अंदर अपने कपड़े वापस ला सकते हो, वाटरप्रूफ टाइप। यहाँ पे लगी हुई है जी LED, सामने एक मिरर है, उस तरफ सोफा लगा हुआ है, आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो और सिंपल रूम है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब देखो इस रूम से आपको जो विला फील आती है ना वो इस तरह आती है कि ये आपने सामने अपना अगर कर्टन साइड पे किया हुआ है तो आपको प्रॉपर एक जो है ना वो पूल नज़र आ रहा है, बाहर आपके ये थोड़े ग्रीनरी नज़र आ रही है, यहाँ बैठने की जगह नज़र आ रही है और आप रूम से निकलते हो तो एक अलग वाइब आपको फील होती है कि आप किसी बहुत प्यारी जगह पे हो, बहुत खुली डुली सी जगह है। उसके बाद ये आता है जी हमारा बाथरूम, यहाँ से आप एंटर होती हैं जी बाथरूम में और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, सेम जिस तरह रूम के अंदर वुडन डिज़ाइन दिया हुआ है और मिरर, उसी तरह से बाथरूम में भी है। यहाँ पे सारी वैनिटी किट्स और ये वो सब कुछ पड़ा हुआ है। इस तरफ आ जाता है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कमोड और एक ही खुला डुला सा वॉशरूम है जिसमें से आप चल के जब इधर जाते हो तो ये एक मज़े की चीज़ है। शावर एरिया जो है उसके ऊपर कोई छत नहीं है, ठीक है, शावर एरिया ओपन, आपको आपको लगता है आसमान के नीचे खड़े हो कि आप शावर ले रहे हो, तो ये एक फील है इस रूम की। अब आए हैं असल मज़े के बादल और बस्ते शस्ते पा के सी रेडी हो गए निकलने ली और आज हम दोनों ने की भी है ट्रेनिंग। क्या की भी है? ये शर्ट हमने कहाँ से ली थी? उबुद से। बाली पहुँच के ही हम एक जगह नजर आए। इस तरह आप जब बाली में फिर रहे होगे ना या थाईलैंड में भी इवन, आपको इस तरह ये वाली शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें बहुत नज़र आती हैं जो। तो अभी खैर हम लोग सबसे पहले निकलेंगे, जाके कुछ खाना शाना खाएंगे।
ये रास्ता है रिजॉर्ट से बाहर जाने का मेन रोड की तरफ, वो सामने मेन रोड नज़र आ रही है। ये जी रास्ता पोंटे विलाज आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पोंटे विलाज जगह का नाम है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, और वहाँ से बाहर निकलते ही ये इनका जो है वो प्राइवेट बीच है। यहाँ पे ये सनबेड्स लगे होते हैं, अभी सन जा चुका है तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सामने बीच बहुत ही खूबसूरत है यार, ओए होए होए, गिली आइलैंड्स का पानी, ओह सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। ओए होए आज जो सीन देख लिए है ना, इतना खूबसूरत, मतलब हैवी बादल आए हुए थे और उनमें से सनसेट हो रहा था बीच के साथ। उफ, अभी आइलैंड पे सैकली पे सैर कर रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए देखेंगे। ये एक बफे है यहाँ पे, हम लोगों ने कल किया था, ये 2 लाख पर पर्सन, 2 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है, अच्छा है। अगर आपको आइलैंड पे आके बफे करने के कोई खास शौक चढ़ा हुआ है तो ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने एक बर्गर शॉप जो है ना वो सर्च की है, वहाँ जा रहा हूँ मैं, साथ साथ समंदर चल रहा है। और अभी जो है ये गोरों का माहौल शुरू होने लगा है, कल रात जो मैंने यहाँ पे देखा आइलैंड पे बार्स का माहौल, ओए होए तौबा की दसा मैं तुम्हें। हट जाओ राणा, आ गया जे, हट जा। आइलैंड की एक ही मेन रोड है जो पूरे आइलैंड के इर्द गिर्द घूमती है, उस पर जी एक बर्गर हाउस मैंने सर्च किया था ऑनलाइन, और मोस्टली इस आइलैंड पे चीज़ें हलाल मिलती हैं। मैंने आपको कल दिखाया भी था, मस्जिद भी है, तिलावत भी होती है, मोस्टली जो मीट है वो हलाल वेंडर से आ रहा होता है। तो ये बर्गर हाउस है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बीच के किनारे एक ज़रा अच्छा सा इन्होंने सैंड के ऊपर जो है रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और हम लोगों ने मंगवाया जी मॉन्स्टर डबल पेटी डबल बीफ, ऐसे जम्बो किस्म का, जम्बो जेट किस्म का बर्गर है। ओए ओए ओए, खाना कैसे है इसको, ओहो भाई बर्गर गेम बहुत फिट है। यहाँ पे खाने मोस्टली जो है ना वो अच्छा टेस्ट मिलता है अक्सर ही। कल हमने पिज़्ज़ा खाया था, पास्ता खाया था, इतना वो मतलब वो तो कोई और ही चीज़ थी ना वो पिज़्ज़ा, तो ये बर्गर भी बहुत मज़े का है। जो उबुद में हमने खाया था वो बेस्ट था, वो ऑथेंटिक बीफ बर्गर था। इसको अगर कंपेयर करूँ तो मैं इसकी इतनी तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वैसे ही सिर्फ ये बर्गर देख के खाऊं तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। बट इसकी जो बीफ पैटी है वो प्रॉपरली जिस तरह एक स्मैश बीफ पैटी होती है ना आपको फील हो रहा था, वो वाली नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर चपली कबाब वाइब है, ज़रा ऐसे मोटी सी जो बीफ पैटी बनती है वो वाली है। खाना वाना खाने के बाद हम लोग एक कैफ़े पे बैठे रहे, उसके वहाँ रिलैक्स करते रहे, फिर अब उसके बाद हमारा ये प्लान है। कल हम लोगों ने बाली वापस जाने का सोचा था, लेकिन अब हमने सोचा कि आज हमने यहाँ की जो मस्ट डू चीज़ है वो तो की नहीं, और वो है स्नॉर्कलिंग। तो अब हमने सोचा कि हम अगर कल बाली ना जाएं और एक दिन और हम गिली पे रुकते हैं आज रात तो हमने रुकना ही था, कल की भी रात रुकते हैं,
और कल हम चलते हैं यहाँ से, यार इनकी पार्टी शुरू हो गई है, बहुत शोर है, कल हम यहाँ से। तो अभी थोड़ा सा पार्टी पीछे रह गई है, तो हमने ये प्लान किया कि हम कल की भी रात रुकते हैं और कल हम दिन में चलते हैं यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने, जो कि इंडोनेशिया की आइकॉनिक स्नॉर्कलिंग है गिली आइलैंड्स पे जो होती है, जिसमें आपने शायद देखा हुआ हो, वरना मैं कल दिखा दूंगा। ह्यूमन स्टैचूज हैं यहाँ पे समंदर के अंदर, उसके साथ स्नॉर्कलिंग होती है, टर्टल पॉइंट है वहाँ स्नॉर्कलिंग होती है, तो हमने सोचा कि वो करते हैं कल। अब यहाँ पे आप बाजार के अंदर चलते जाओगे ना, तो डिफरेंट आपको वो कार्ड्स नज़र आते हैं जो स्नॉर्कलिंग टिकट्स आपको देते हैं, तो वो मतलब ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कैसे स्नॉर्कलिंग पे जाएं, क्या करें। अब ये पीछे भी एक कार्ड है, ठीक है, मैंने पीछे एक कार्ड से करवाई है, उसने पहले 3, 4, 5 मैंने फिर के देखे कि क्या क्या प्राइसेस हैं, वो 150,000 पर पर्सन है, कोई 9 लाख का दे रहा है, कोई 7 लाख का, कोई 8 लाख का, बट ये आपको फिर के देखना पड़ता है, सब सेम है। कल होगी स्नॉर्कलिंग आइलैंड पे, सुवेनियर शॉपिंग मस्ट है, कोई भी चीज़ें आप लेके जाओ जो इजीली लेके जा सकते हो। मैं तो मेरी कलेक्शन जो है वो फ्रिज मैग्नेट्स की है, तो मैं ये देख रहा हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत प्यारी चीज़ें हैं, यहाँ के समंदरों में टर्टल्स बहुत होते हैं, तो वो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, वुडन टर्टल्स और भी काफ़ी सारे मटेरियल्स के। चलते चलते हम लोग आइलैंड की नाइट मार्केट में आए हैं, और ये नाइट मार्केट में सारा खाने का सीन होता है, इंडोनेशियन खाने, चिकन रोरिंग, व्हाट इज रोरिंग, बारबेक्यू, गोरेंग बारबेक्यू, ये सारा जो है ना वो ये पड़े हुए हैं, प्रॉन्स पड़े हुए हैं, बीफ है, चिकन है, स्क्विड है, और फिर ये आगे इनके सैलेड शुरू हो गए हैं, ये इंडोनेशियन फूड है सारा, इस तरह करीज में होता है। मुझे अभी तक इंडोनेशियन फूड खासा टेम्पटिंग नहीं लगा, ये देखो इस तरह से ये चिकन होता है इनका, इसको फ्राई करते हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू, शी इज ब्यूटीफुल, ओके, शी इज ब्यूटीफुल, क्या थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये इनका चिकन पड़ा हुआ है, और साथ में व्हाट इज दिस, सोया बीन्स, लंबोक फूड, लंबोक फूड, ये देखो ये ऐसे राइस डालते हैं, साथ में चिकन डालते हैं, और ऊपर इस तरह से सॉस डालते हैं, वेरी स्पाइसी, थैंक यू। अच्छा भाई, इंडोनेशियन फूड में से ये चीज़ मैंने खाई थी, इसका नाम है चिकन सोया, ये जिसने हमने राफ्टिंग की थी उस दिन खाया था, ये मुझे अच्छा लगा था, मज़े का था। ये देखो ये प्रॉन्स का कोई मसाला टकाटक टाइप बना के रखा हुआ है, ये फिर से कोई चिकन है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, नूडल्स, क्या ब्यूटीफुल, थैंक यू। अच्छा ऑनेस्टली इंडोनेशियन फूड बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग मुझे, मतलब ये वाहिद मुल्क है जिसका फूड मुझे बहुत टेम्पटिंग नहीं लगा, इनके मतलब अलग सी वो करीज मसाले हैं कि देख के आपको लगता नहीं है कि यार मुझे ये खाने का दिल कर रहा है। थैंक यू, व्हाट इज दिस, टूना पीस एंड स्वीट सोया, टोफू, टूना पीस एंड राइस, ये देखो ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है। अच्छा भाई, खा पी के सैर सपाटा करके हम लोग वापस आए, और ये वो व्यू है जिसका मैं आपको दिन में बता रहा था कि इतना खूबसूरत लगता है ये रात को। अब दोनों तरफ इसके लाइट्स चल रही हैं, बीच में पूल है और पूल में आपका भाई है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है, और कल का दिन मेरा ख्याल है बहुत मज़े होने वाला है, क्योंकि कल है स्नॉर्कलिंग।